सिक्स निफ्टी अभी 6 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और 8180 के आसपास है। 8140 की इंपॉर्टेंस आपको पता है कि 200 डेमा है और मार्केट ने इसको होल्ड किया। कल जब फिसल के नीचे भी आ रहा था तो 8140 को ब्रेक नहीं कर रहा था, बार बार उसी के ऊपर ही हमको स्ट्रेंथ दिखा रहा था। आज सिक्स निफ्टी इसके ऊपर है लेकिन 8200 के बेहद करीब है। ये लेवल्स मैं आपके सामने बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी का जो दिन है इन लेवल्स को ब्रेक करने का दिन है। ये आज ब्रेक और मेक का दिन है और आपको थोड़ा सतर्क ज़्यादा रहना होगा, स्पेशली अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में हैं या फिर पोजीशन बनाना चाहते हैं, रियल्टी और ऑटो में भी कोई पोजीशन रखना चाहते हैं। तो कल के मार्केट के अंदर जो अच्छे गेनर्स हमको दिखे थे उसमें हमने देखा था कि या कुछ मेटल शेयर्स भी चल रहे थे और कुछ फार्मा शेयर्स के अंदर भी अच्छी बाइंग आती हुई दिखी थी। आज जिन कंपनीज में खबर है उसमें एक सूर्य रोशनी भी है जिसके साथ एक न्यूज़ फ्लो ये है कि उसका एक क्वार्टरली जब रिजल्ट्स आए तो 13 करोड़ को मुनाफा इन्होंने दर्ज किया है और अबिटा मार्जिन्स ऑलमोस्ट थोड़ा सा घटा है। इस सूर्य रोशनी पे आपके रिकमेंडेशन क्या है राकेश, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि मोमेंटम रहता है और बहुत वाइल्ड स्विंग रहता है, ऑल दो पॉलिसी से ज़्यादा इम्पैक्टेड होने वाला शेयर भी नहीं है, आज क्वार्टरली रिजल्ट्स पे सीधा सीधा रिएक्शन देगा, आपकी राय? देखिए डीपी, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई थी, 240 तक के हाईज दिखाए थे, वहां से स्टॉक मार्केट के साथ करेक्ट हुआ है। एज ऑफ नाउ नीचे में 185-186 एक अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में 208 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो उस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। लक्ष्मी मशीन वर्क्स पर आज खबर है, कंपनी की बायबैक की योजना है, 3.25 लाख शेयर यानी करीब करीब 3.25% हिस्सा बायबैक करने की योजना है कंपनी की और जो बायबैक प्राइस तय किया है वो 4450 का तय किया है, 3864 पर यह बंद हुआ था। अविनाश, आपके कॉमेंट्स लक्ष्मी मशीन वर्क्स पर। दीपाली, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है क्योंकि लक्ष्मी मशीन वर्क्स के पास कैश कंपोनेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट है, कंपनी डेट फ्री भी है और जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है और जिस प्रकार का अभी करंट माहौल है टेक्सटाइल मशीनरी में, हमको लग रहा है कि कंपनी कहीं ना कहीं अपनी जो शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स है वो ज़्यादा एनहांस करने की कोशिश कर रही है, तो इससे डेफिनेटली इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। हालाँकि एक मार्केट ड्रिवन बायबैक रहेगा तो इसमें कितने शेयर्स कंपनी खरीदेगी वो देखना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है। ठीक है, आज महाराष्ट्र के एक बड़े शहर पुणे को लेकर एक अच्छी खबर आ सकती है क्योंकि पुणे को मेट्रो की सौगात मिल सकती है। असल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से इसको क्लियरेंस पहले दी जा चुकी है और आज एक कैबिनेट की बैठक भी है। इस कैबिनेट की बैठक में पुणे मेट्रो को लेकर एक अहम फैसला हो सकता है, तो जो मेट्रो से जुड़े हुए शेयर्स हैं उनमें आज एक स्टॉक तेज़ी से बढ़त आती हुई दिखेगी। मसा सुमित बागड़िया भी जुड़ चुके हैं। सुमित, निफ्टी में राय आपसे मैं बाद में लूँगा, पहले जरा ये बताइए BEML पे क्या करना चाहिए हमको, ये शेयर क्योंकि सीधा सीधा मेट्रो से जुड़ा हुआ है। गुड मॉर्निंग डिम्पी। गुड मॉर्निंग। BEML देखिए, ओवरऑल अगर स्टॉक को हम देखेंगे तो ये स्टॉक इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल से देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई शायद एक अपमूव दिखा सकता है यहाँ से। स्टॉक के अंदर वैसे भी हमने पिछले कई दिनों में देखा है कि ये स्टॉक एक थोड़ा सा तेजी के मूड में चल रहा है। स्टॉक इमीडिएटली कल की जो क्लोजिंग थी 877, वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से और एक बार तेजी देखने को मिल सकती है जिसके अंदर स्टॉक हमको ऊपर में 910 से 930 के लेवल्स दिखा सकता है। लास्ट 5 से 7 दिनों में हमने ये स्टॉक में लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 80 से 100 रुपए की तेजी देख ली है, बट अभी भी ऐसा लगता है कि ये मूव एक्सटेंड हो सकता है और ऊपर में हमको 910-930 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यस, आई थिंक स्टॉक का स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है, एक पुल बैक मूव हमको इमीडिएटली देखने को मिलना चाहिए, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश बाय भी किया जा सकता है। जी, एलटी फूड्स पर भी न्यूज फ्लो है और खबर है फ्यूचर कंज्यूमर के साथ करार किया है कंपनी ने चावल की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये वेंचर किया है और जिने और राइस मिल्स को लेकर भी ये करार किया गया है। एलटी फूड्स पर अविनाश, आपकी राय क्या है? हमने देखा भी था पिछले सेशंस में रुपए में जब एक कमजोरी आई थी डॉलर के अगेंस्ट, तब सबसे ज्यादा एक्शन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स था जिसमें जो राइस स्टॉक्स थे वो काफी एक्टिविटी दिखा रहे थे। अभी 268 के लेवल पर आपकी राय क्या है एलटी फूड्स पर? मैं आई थिंक दीपाली, आई थिंक चावल की कंपनीज में हमको लग रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम लगातार रहेगा क्योंकि आने वाले दिनों में जब फेड रेट हाइक करेगा तो डॉलर की स्ट्रेंथ के हिसाब से इंडियन रुपी और वीक होने की एक्सपेक्टेशन है और इसका इंपैक्ट आपको सीधा इनके एक्सपोर्ट अर्निंग्स पे देखने को मिल सकता है। हमको लग रहा है कि हालांकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है, मेरे ख्याल से एटलीस्ट ऑपरेशनली और प्रॉफिटेबिलिटी एलएनटी फूड्स को डेफिनेटली फ़ायदा होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस पे तो होल्ड करना चाहिए, लेकिन गिरावट हो तो इसमें डेफिनेटली खरीदारी का मौका है।
ठीक है, क्योंकि आज पॉलिसी का दिन भी है, बस सुमित से भी राय ले लेते हैं कि बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर को वो क्या कह रहे हैं, कैसे ट्रेड करना चाहिए सुमित, क्योंकि आज हमारी 10 बजे एक पूरी बड़ी पेशकश भी होगी जिसमें हम अलग अलग एंकल से हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिसी को लेकर इस समय बाजार कैसे कैलकुलेट करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी एक बड़ा क्रिटिकल है। आप देखिए रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशंस भी निफ्टी के मुकाबले अच्छी है। आप बैंक निफ्टी की आज की रेंज का दे रहे हैं, दो सिनेरियो में आपके सामने रख रहा हूं, फर्स्ट 0.25% कट, सेकंड 0.5% कट। देखिए जिम्मी, जहां तक रेट कट का सवाल है, 0.5 का होना चाहिए, जरूरी भी है, जिस हिसाब से मनी फ्लो आया हुआ है बैंक्स के पास उसके हिसाब से एक बार ये कट बनता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये कट अगर अभी नहीं हुआ तो थोड़ा डिलेड हो जाएगा नेक्स्ट कट के लिए। इसी कट में अगर 0.50 का कट आ जाता है तो वो बहुत अच्छा हो सकता है मार्केट्स के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंकिंग का बैंक निफ्टी के अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो ऊपरी लेवल से वन साइड दबाव का देखने को मिला है। बैंक निफ्टी के अंदर इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 18,700-18,750 के आसपास का है, तो अगर ये लेवल ऊपर की तरफ टूटता है तो फिर हमको बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर ये लेवल ऊपर की तरफ नहीं टूटता है तो जो नीचे में सपोर्ट बन के रखा है बैंक निफ्टी के अंदर वो है 18,150 के आसपास। ये लेवल अगर नीचे में टूटता है तो एट द सेम टाइम हमको गिरावट भी अच्छी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 17,500-17,300 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। आई थिंक आज का दिन बहुत क्रूशियल रहने वाला है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, बैंक निफ्टी के लिए भी। ये जो मैंने ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का सपोर्ट बताया है, ये दोनों लेवल्स लोगों को, ट्रेडर्स को ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि इधर साइड ब्रेकआउट बड़ा मूव देगा बैंक निफ्टी के अंदर। जी, हालांकि ज्यादातर बैंकर्स इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आज की पॉलिसी में आ सकता है। कुछ लॉबी ऐसी है रेस्ट्रिक्टेड जो कि 50 बेसिस पॉइंट तक के कट की भी होप्स रख रही है, और आप ये देख भी रहे हैं बैंकर्स की सोच, SBI 50 बेसिस पॉइंट, IDFC, एक्सिस बैंक 25 बेसिस पॉइंट के कट की तरफ हैं। लेकिन जैसे हमने शो की शुरुआत में भी कहा कि इस बार की पॉलिसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोटबंदी के बाद आ रही है, और जो कॉमेंट्री होगी वो एक प्राइमरी इशू रहेगा आज के सेशन में, रेदर देन कट या फिर कट का क्वांटम, तो इम्पोर्टेंट है क्या कमेंट्स आएंगे। हालांकि उर्जित पटेल को मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स माना जाता है, लेकिन ये फ्यू वर्ड्स आज मेक और ब्रेक हो सकते हैं मार्केट्स के लिए भी और इकोनॉमी के लिहाज से भी। जो कमेंट्री होगी वो काफी अहम रहेगी। अविनाश, आप कमेंट्री में क्या सुनना चाहते हैं, उर्जित पटेल क्या बोले आपको खुश हो जाएंगे? अविनाश, आपसे, आपको आवाज मिल रही है मेरी? डिम्पी, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स डेफिनेटली ये चाहेगा कि रेट कट का जो साइकिल है वो आगे भी कंटिन्यूसली यू नो डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा दे, और मुझे लग रहा है कि अगर इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्ट्री नीचे आता है बहुत CPI और WI को लेके, तो हमको लग रहा है कि डेफिनेटली ये बात मार्केट्स को अच्छी लगेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो जो डिपॉजिट ग्रोथ अभी बैंकों में हमने देखा है, अगर CRR की भी अगर 100% जो इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो भी अगर 9 तारीख को अगर निकलते हैं और क्लियरली और पैसा बैंकों के हाथों में आता है तो ये डेफिनेटली अच्छी वाली बात होगी, क्योंकि मोर इम्पॉर्टेंटली लोन बुक ग्रोथ तभी बढ़ेगा जब बैंकों के पास पैसा आएगा। तो ये सब बातें आज पॉलिसी में अगर होती है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को पॉजिटिवली यू नो ये देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए 4% के आसपास का इन्फ्लेशन या फिर इससे नीचे का इन्फ्लेशन ये एक्सपेक्टेड है। दूसरा, GDP को लेकर जब तक ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स आई हैं वो काफ़ी बटी हुई हैं। आज RBI जो देश की बड़ी नोडल एजेंसी है, रेगुलेटर है बैंक्स का, ये तय कर दे कि GDP को लेकर उसकी सोच क्या है, ये बाजार पूरी तरह से सुनना चाहता है रेट कट के साथ साथ। तो इन्फ्लेशन, GDP और रेट कट, तीन हिस्सों में आज पॉलिसी को आप सुनिएगा और इसका असर आपको दिखेगा। बैंकर्स का व्यू क्या है एक बार वो भी सुन लेते हैं। जी, हमारे बैंक एनालिस्ट का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट रिडक्शन रेपो रेट में हो सकती है, ये एक कंसेंसस भी है। तो क्लियरली उतना जो है अभी फिलहाल हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा, और बाद में जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो शायद उसके बाद ज़्यादा हो सकता है। रेस्ट ऑफ फाइनेंशियल मे बी 25 बेसिस पॉइंट, बिकॉज ना वी आर डिपेंडेंट ऑन सो मेनी थिंग्स, व्हाट Madam Janet Yellen says across the Atlantic, what happens in euro area, what Japan does. One more rate cut is possible. We can't say with the same degree of certainty that
I said a month ago that there would be a rate cut, but there is still a possibility of a 0.25% cut in rates. Inflation is under control. I see nothing today which would make me believe that inflation is going to go up. So inflation will continue to remain under check, and that, to my mind, will continue to give RBI the freedom or the ability to cut the rates in the course of time. Inflation ki taraf dekhe, chahe monetary policy rates ki taraf dekhe, or deposit rates ki taraf dekhe, bilkul rates yahan se kam hone ki sambhavna. तो बैंकर्स का व्यू आपने सुना, 25 बेसिस पॉइंट के कट की बात हो रही है, ज्यादातर बैंकर्स यही मान रहे हैं. और इन्फ्लेशन एक कॉमन वर्ड था सभी के स्टेटमेंट्स में कि इन्फ्लेशन की तरफ से काफी कंफर्ट है. और अक्टूबर के जो फिगर्स थे वहां पर हमने देखा भी था कि सीपीआई 14 मंथ्स के लोस पर रहा था. लेकिन हमने बैंकिंग की तो बात की है, ऑटो रियल्टी को भी टच कर लेते हैं क्योंकि पिछले दो दिनों में वहां हमने काफी वाइब्रेंसी देखी है, स्पेशली रियल्टी स्टॉक्स जो कि निचले स्तरों से काफी रिकवर हुए हैं. राकेश, डीएलएफ, एचडीआईएल, इनमें से कोई पिक करेंगे आज आप ट्रेड? और दूसरा, ऑटो स्टॉक्स में कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाई है या फिर नहीं? दीपाली, अगर आप डीएलएफ की बात करें तो स्टॉक ने नीचे में 109-110 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट लिया, और एक बार स्टॉक 117 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें देखने को मिलेगा. बट अगर रियलिटी में अगर आप देखें तो सबसे जो बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर दीपाली लग रहा है वो है ओबराय रियलिटी का, जहां पर नीचे एक मल्टीपल सपोर्ट्स लिए हैं स्टॉक ने. और अगर आप लो से देखें तो सबसे ज़्यादा रैली ओबराय रियलिटी में नीचे से देखने को मिली है. स्टॉक ने बड़े चार्ट्स पर 285 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखाया, और मुझे लगता है ये जो ऑनगोइंग मोमेंटम ओबराय रियलिटी में बना हुआ है, हो सकता है क्रेडिट पॉलिसी के बाद एक अच्छा ऊपर की तरफ उछाल टूवर्ड्स 315-316 ओबराय रियलिटी में देखने को मिले. सुमित, ऑयल मार्केटिंग से जुड़ी हुई कंपनीज या फिर ऑयल गैस से जुड़ी जो कंपनीज है उनमें क्या करना चाहिए? देखिए, आप ऑयल इंडिया, केन इंडिया, इसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी, आईजीएल, ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने इस गिरते हुए बाजार के अंदर भी संभाला है. अब ओपेक की बैठक तो हो गई है, लेकिन नॉन ओपेक की भी एक बैठक होने वाली है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. वहां से क्या आउटलुक निकल के आता है क्रूड को लेकर? लेकिन क्रूड जब तक 50 के ऊपर है शायद अपस्ट्रीम कंपनीज एंजॉय करेंगी. इस सेगमेंट में आपका कोई शेयर है? क्योंकि ये क्रेडिट पॉलिसी से सीधा इंपैक्टेड शेयर नहीं होने वाला. बिल्कुल निम्पी, आपने एकदम सही कहा. ये ऑयल एंड गैस में हमें बहुत से स्टॉक में ऐसा लगता है कि एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है. इनफैक्ट क्रूड जब तक ये 50 के ऊपर है तब तक ये भी अच्छा संकेत है इन कंपनीज के लिए. इमीडिएटली अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है क्रूड में ओवरऑल स्ट्रक्चर तेजी का स्टार्ट हो चुका है. नाइमेक्स में हमें ऐसा लगता है क्रूड जल्दी $55 तक जाने की पॉसिबिलिटी है. इनफैक्ट ऊपर में अगर 55 ब्रेक हुआ तो हमको ऐसा लगता है $60 भी जाएगा. तो इन दिस केस ओएनजीसी एक अच्छा लगता है जो यहाँ से एक अच्छा मूव दिखा सकता है. ₹300 का इसके अंदर साइकोलॉजिकल हर्डल है. जैसे ये ₹300 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमको 10% की तेजी बहुत जल्दी और शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलेगी. कल की क्लोजिंग 298 के आसपास थी. आई थिंक इसको तेजी में लेके चलना चाहिए इस काउंटर को. अगर कोई डिप मिल जाता है बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है उसकी वजह से, तो वो डिप में बाइंग यूज करना चाहिए या क्योंकि बाद फ्रेश बाइंग की जा सकती है 330 तक के टारगेट्स के लिए. आपने पेट्रोनेट का भी नाम लिया था, मुझे ऐसा लगता है कि पेट्रोनेट भी स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है. मार्केट्स में भी हमको दबाव देखने को मिला, वो पेट्रोनेट में हमको देखने को नहीं मिला, तो पेट्रोनेट के अंदर भी तेजी करके चला जा सकता है. पेट्रोनेट पर तेजी की जा सकती है. और अभी जो लिस्ट बताई थी राकेश ने अपने इंटरडे ट्रेड्स की, उसमें भी पेट्रोनेट एलएनजी शामिल था.